प्रेमी श्रोताओ, कहा कि जमाना बदल गया। पहले अगर इंसान घर से बाहर जाता था तो अपने मात पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर जाता था, लेकिन आजकल आशीर्वाद लेना दूर की बात, चरण छूना दूर की बात। अगर मात पिता ये पूछ लेना बेटा कहाँ जा रहा है, तो आज का नौजवान ये कह देगा बुढ़े बुढ़िया चुप बैठे रहो, तुम्हें क्या लेना मैं कहाँ जाऊं। और जब ससुराल जाता है आज का नौजवान, तो सास ससुर के आगे जाते ही लंबी लंबी धोक लगाते हैं, और सास ससुर को बुढ़े बुढ़िया नहीं कहते, उनको तो मम्मी और पापा कहते हैं। जमाना बदल गया, किसकी इज्जत करना सीख गए हैं लोग, और किसकी इज्जत करना छोड़ दिया लोगों ने। सुनिए इस रागिणी के माध्यम से। हे रे माँ का राज, न बाप की चौधर यो प्यार रहना, भाई का हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुकाई का, हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुकाई का। मेरे माँ का राज ना नहीं चलेगी। घर में जब से राज लुगाई का हो गया, तो बहू ने बहन और बुआ की इज्जत को खो दिया, घर में साली का आना जाना शुरू करवा दिया। और आज का नौजवान बहन और बुआ का 100 रुपए देता हुआ रोता है, लेकिन हाँ दादाजी अगर साली घर में आ जाए ना, तो कई कई 1000 रुपए के सूट बनवा देंगे साली के लिए। अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो जो अपनी साली से प्यार करते हैं। हाँ हमारे एक दादाजी है, नुगेरे मैं कौन ही करूं, दादा तेरा शरीर बता रहा है कि तू साली थे क्या, तू घरवाली थे भी प्यार नहीं करता। हाँ, सुनिए पहली कली में क्या बदल गया। ससुर भी इससे डिसर गए, ससुर भी इससे डिसर गए, हो जमाल जमाई का।
पुरस्कार इधर से दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ईश्वर दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतना मान सम्मान दिया। बताया कि पहले के जमाने में भाईचारा बहुत बड़ा होता था, लेकिन ये जब से फोन आया है ना, इस फोन ने भाईचारे को खत्म कर दिया, और भाईचारे को क्या, इस फोन ने पता नहीं क्या क्या खत्म कर दिया। पहले 20 आदमी इकट्ठे बैठते थे तो आपस में बतलाते थे, सुख दुख की बात करते थे। अगर आज के समय में 20 आदमी इकट्ठे बैठ जाए तो आपस में बात नहीं करेंगे, अपने अपने फोन में लगे रहेंगे। जमाना बदल गया। पहले अगर भाई भाई में लड़ाई हो भी जाती थी तो बीच में लुगाई नहीं बोलती थी, लेकिन अगर आज के जमाने में भाई भाई में लड़ाई हो भी जाए ना, पहली बात तो भाई भाई में बनेगी नहीं, और किसी कारण से भाई भाई में प्रेम हो भी और फिर किसी कारण से लड़ाई हो जाए, अगर भाई भाई में आज के समय में लड़ाई हो जाए तो औरत ये कहेगी, पियाजी पीछे हो, इस जेठ की मुस्तुम मैं पाड़ूंगी। इसीलिए जमाना और बदला, जैसे ही जेठ की मूछों पे वार होना शुरू हुआ तो जेठों ने मूछ ही कटवा दी। हाँ, मूछ ही रखनी बंद कर दी, क्योंकि जब ही क्या है, जब मूछों पे सीधा वार ही होगा, इज्जत ही चली जाएगी, तो फिर जिएंगे कैसे दुनिया में। हाँ। इसीलिए सपा सट। हाँ, देखो ये सामने बुड्ढा बैठा है, वैसे टोपी लगा रखी, पुर मूछ नहीं है। और क्या हुआ सुनिए जरा, सपा मूछ कैसे, सांझे सिर ने बांध के पड़ जा, सांझे सिर ने बांध के पड़ जा, लौटा था अपने भाई का, हो गए मरे गुलाम वीर के घर में राज लगाया, हो गए मरे गुलाम वीर के घर में राज धन्यवाद। आइए बताया कि पहले औरत अपने पति को देवता मानती थी, आज भी मानती है, आज भी मानती है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अच्छा ये बताओ, रागनी अच्छी लग रही है आप सभी को, फिर तालियां बजा के बता दीजिए। कहते हैं आप सभी की तालियां कलाकार को इसी लगे जैसे दब जप्पे वाली औरत को घी और गूंद लगता है। मैं अपनी माता बहनों से पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे ऐसी कितनी माता बहनें हैं जो अपने पति के पैर दबाती है, एक बार हाथ खड़े करके बताना, कौन ही दबावे। अच्छा जी, एक ने भी हाथ खड़े नहीं किए दादा, देख लो। अच्छा तुम बताओ, यहाँ पे ऐसे कितने श्रोता हैं जो अपने पत्नियों के पैर दबाते हैं, एक बार हाथ खड़े करके बताना, पीछे हैं, देख लो पीछे। हाँ, अब तो यही जमाना रह गया, अब पत्नी तो ना दबावे लेकिन पतियों को ही दबाने पड़ेंगे अब पत्नियों के पैर। और अब तो पंडित जी भी ये कह देते हैं कि ले ले लाटो फेरे, अरे यूं मर जाता और बतेरे स्वाहा। हाँ, ऐसे ऐसे मंत्र मारते हम तो पंडित जी भी। आइए सुनिए कैसा जमाना हो गया।
खा लिया फिर भी कित मरे कौन माँ बापों का कहा काम ये छोरा छोरी करे कौन बहू और छोरा कदे भूल के चरणों में शीश धरे कौन ये घर का मंदिर छोड़ के पूछे मंदिर हाथ नहीं छुड़ाया जाएगा क्योंकि बुजुर्गों ने देसी माल खाया है देसी घी और दूध पिया है लेकिन आज का नौजवान देसी दारू पीता है चाइनीज फूड खाता है बर्गर खाता है छोले भटूरे खाता है और भटूरे खा खा के शरीर तो भटूरे जैसा गोल मटोल हो रहा है लेकिन ताकत नहीं रही। आजकल तो जमाना ऐसा है आदमी की पहचान भी नहीं सकते कि आदमी पैसे वाला है या गरीब है। आजकल तो गरीब आदमी भी अगर घर में चटनी से रोटी खाते हैं ना तो बाहर सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूमेगा तुम भी नहीं सोचोगे भाई बड़ा ही आदमी है यू भी बड़ा ही आदमी है। हाँ न्यू देख रहा मन ने जैसे जीवन में लुगाई ना देखी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आई अंतिम लाइनों में बड़े हंडे से लक्ष्मी चंद्र